तो कैसे हैं आप? हम ये अपनी लास्ट वीडियो में कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स के बारे में जान चुके हैं। आज की वीडियो में हम ऑपरेटर्स के बारे में जानते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सो ऑपरेटर्स वो टोकन है जो पाइथन प्रोग्रामिंग में कंप्यूटेशन यानी कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है। ऑपरेटर्स आर द टोकन दैट ट्रिगर सम कंप्यूटेशन व्हेन एन एक्शन इज वेरिएबल, व्हेन एक्शन इज अप्लाई टू अ वेरिएबल। मैं इसका डेफिनेशन यहाँ लिखता हूँ, ऑपरेटर्स आर द टोकन, ऑपरेटर्स आर द टोकन दैट ट्रिगर ट्रिगर सम कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन व्हेन एन एक्शन इज applied, when an action is applied to variable, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब आप पाइथन प्रोग्रामिंग में कोडिंग करते वक्त कोई मैथमेटिकल कंप्यूटेशन यानी कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें ऑपरेटर्स का ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। ऑपरेटर्स आर द टोकन, ये वो टोकन है जो ट्रिगर करते हैं सम कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन का मतलब कि कुछ कैलकुलेशन करने के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए जब आप किसी वेरिएबल को अप्लाई करते हैं या फिर उसके एक्शन करते हैं उसको अप्लाई करते हैं। तो आज की वीडियो में हम ऑपरेटर्स के बारे में ही जानेंगे। तो ऑपरेटर दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स यूनरी ऑपरेटर क्या होता है और बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये हम जानते हैं। यूनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स हैं जिसमें आप सिंगल ऑपरेंड को ही यानी सिंगल ऑपरेटर से ही आपका काम चल जाएगा, यानी आप सिंगल ऑपरेटर की मदद से ही आप कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई कंप्यूटेशन कर सकते हैं, यानी एक सिंगल ऑपरेटर के द्वारा ही आप ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। और जिसमें सिंगल ऑपरेटर का यूज होता है, ऑपरेंड का यूज होता है, उसे हम यूनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। और बाइनरी उसे कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा ऑपरेंड या फिर ऑपरेटर्स का यूज होता है, उसे हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं जो कि कैलकुलेशन में हेल्प करते वक्त होता है। सो इसका आप सिंपली याद लिखिए, सिंगल ऑपरेंड या वन ऑपरेंड। और बाइनरी ऑपरेंड का मतलब, बाइनरी ऑपरेटर का मतलब है मोर देन वन। सो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर द टोकन्स दैट ट्रिगर सम कंप्यूटेशन व्हेन एन एक्शन इज अप्लाइड टू अ वेरिएबल। किसी भी मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करते वक्त जिस चीज़ों का यूज होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में स्पेशल सिंबल्स क्या क्या होते हैं, उसी तरह जैसे प्लस, माइनस, माइनस, फॉरवर्ड स्लैश, डिविडिशन और मल्टीप्लाई, ये चीज़ें हैं इसी स्पेशल सिंबल्स का आता है। इसी चीज़ को ऑपरेटर्स भी हम कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स कई तरीके के होते हैं, ऐसे ऑपरेटर दो तरीके होते हैं, यूनरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर। और आगे जाके बाइनरी ऑपरेटर्स और ज़्यादा क्लासीफाई हो जाता है, उसमें बहुत सी सारी चीज़ें आती हैं, लॉगरिथमिक ऑपरेटर्स, एल्जेब्रिक ऑपरेटर्स और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो और आगे हम जानते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कितनी तरह के होते हैं। सो ऑपरेटर्स उन्हें कहा जाता है जो मैथमेटिकल कंप्यूटेशन, यानी ऑपरेटर्स आर द टोकन्स दैट ट्रिगर सम कंप्यूटेशन, यानी कि जो मैथमेटिकल कंप्यूटेट करने में या
कैलकुलेशन करने में हेल्प करे उन्हें ऑपरेटर्स कहते हैं। ऑपरेटर्स से जनरली स्पेशल सिंबल्स ही होते हैं। सो हमने बताया था कि ऑपरेटर्स के दो पार्ट होते हैं, यूनरी ऑपरेटर्स एंड बाइनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स जिसमें सिंगल या फिर वन ऑपरेंड या ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है कंप्यूटेशन करने में या कैलकुलेशन करने में, उसे यूनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। और बाइनरी ऑपरेटर्स उसे कहते हैं जिनमें दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा ऑपरेटर या ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है कैलकुलेशन करते हो, उन्हें बाइनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। सो बाइनरी ऑपरेटर्स के और भी सारे कई पार्ट्स हैं। सो पहला पार्ट से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, दूसरा रिलेशनल ऑपरेटर्स और तीसरा सिर्फ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स भी आगे कई तरह के हैं, जैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स है, बिटवाइज ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर्स भी मैं आगे बताता हूँ, कई ऐसी बहुत सारी हैं। सभी ऑपरेटर्स को एक वीडियो में जानना पॉसिबल नहीं होगा। हम जानते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अरिथमेटिक आप समझते हैं जो मैथ से रिलेटेड होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जिसमें आपका एडिशन आता है या एडिट भी लिखता हूँ मैं, आप समझिएगा। एडिट का सिंबल ये सब्ट्रैक्शन का सिंबल है, ये डिवीजन का सिंबल है, इसे हम परसेंटेज भी तो कहते हैं, लेकिन इसको एक और चीज कहा जाता है परसेंटेज। और मॉड्यूल भी कहा जाता है मॉड्यूल। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर है जिनमें ये सिंबल्स आते हैं। अगर आप इन सिंबल्स का यूज करते हैं, इसका मतलब कि आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, परसेंटेज, आप इसको मॉड्यूल भी कह सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स हैं जिसमें आप ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू और इज इक्वल टू का यूज करते हैं। इसे हम नॉर्मली इज इक्वल टू लिखते हैं कि ऐसे, इसका मतलब होता है इज इक्वल टू। लेकिन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषा में, कंप्यूटर लैंग्वेज में, पाइथन प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में इज इक्वल टू ऐसे लिखा जाता है। ये होता है इज इक्वल टू का सिंबल, डबल इज इक्वल टू मतलब होता है इक्वल टू। और ये क्या है? ये है लेस देन इक्वल टू। इस सिंबल का मतलब क्या है? ये आप देख रहे हैं लेस देन का सिंबल है और ये इज इक्वल टू का सिंबल। इसे हम कहते हैं लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन और लेस देन। ये तो आप समझते हैं लेस देन ग्रेटर देन क्या होता है। और जो तीसरा ऑपरेटर है वो है शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर क्या? लेफ्ट की साइड में आपको शिफ्ट करना है, यानी किसी वेरिएबल या कैरेक्टर को आपको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। तो अगर आपने ये की इंक्रीज किया या ये कमांड दिया कंप्यूटर को कंप्यूट करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए, तो हम इसे कहते हैं शिफ्ट लेफ्ट। ऐसे इसको कहते हैं शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट। शिफ्ट लेफ्ट का सिंबल ऐसे ऐसे और राइट का सिंबल ऐसे। सो एक और वही तो आगे और बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। हम एक और ऑपरेटर्स के बारे में जान लेते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, उसमें नॉर्मली होता है एंड और एंड और बस। जैसे हम लोग गेट में पढ़ते हैं ना एंड और नॉट, उसी तरह से बिट वाइज ऑपरेटर में, बिट वाइज ऑपरेटर में, बिट वाइज ऑपरेटर क्या होते हैं? बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, ये दो होते हैं ऑपरेटर्स और बिटवाइज ऑपरेटर्स। सो आज की वीडियो में यही बस ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि लिटरल्स क्या होते हैं। वैसे मैं आपको उसका थोड़ा सा बता देता हूँ डेफिनेशन क्या होता है। लिटरल्स को जनरली कांस्टेंट वैल्यू के नाम से भी कहा जाता है, कि किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू या कोई भी ऐसा चीज़ जिसका एक कांस्टेंट है वो चेंज नहीं हो सकता, उसका वैल्यू सेम टू सेम ही रहेगा कहीं भी कभी भी, उसे ही हम लिटरल्स कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। अब हम अपनी अगली वीडियो में लिटरल्स के बारे में जानेंगे, स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं, सिंगल लाइन क्या होता है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या होता है, ये सभी चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक यू सो मच।